साथियों, सबसे पहले मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय हिंद और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये चुनाव और इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि देश के प्रधानमंत्री ही इस आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन हम देश में लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसीलिए हम नियम कानून का पालन करेंगे और नियम कायदा ये कहता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। इसीलिए मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं और हमारे समर्थन में डॉक्टर कफील खान से लेकर सहला राशिद से लेकर एमयूसी के प्रेसिडेंट और तमाम लोग जो इस सभा में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको बतौर स्पीकर यहाँ नहीं बुला सकता हूँ, इसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं माफी मांगना चाहता हूँ जो आम यात्री हैं इस सभा की वजह से, इस यातायात में जो थोड़ी सी परेशानी हुई है और हमारी विशाल रैली के चलते, विशाल जत्था के चलते जो परेशानी हुई है, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे बेगूसराय जिला में चुनाव है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है और आप में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता, खुद भाजपा के लोग जो मोदी मोदी का मंत्र जपते हैं वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो बात 2014 में बनारस के लिए हो रही थी वही बात 2019 में बेगूसराय के लिए हो रहा है। किसको बात है, किसको बात है इस मिट्टी में कि बेगूसराय की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन हम लोगों को एक बात समझना होगा कि इस बेगूसराय की चर्चा में एक और बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। वो खतरनाक चीज ये है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए लगातार बेगूसराय की धरती का अपमान कर रही है। अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? अमित शाह चल करके आते हैं और दिनकर जी की पुण्यतिथि के मौके पर कहते हैं कि दिनकर जी की जयंती है, और जब बेगूसराय के लोग जो मंच पर खड़े थे उन्होंने टोका तो कहते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि में कोई अंतर नहीं होता। जिनको जयंती और पुण्यतिथि का अंतर नहीं मालूम हो वो क्या खाक इस देश को चलाएंगे, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। और भाषण के पहले वाक्य से लेकर आखिरी वाक्य तक जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि वो सामने से झूठ बोल रहे थे, और झूठ इस तरीके का झूठ कि एक कहावत बड़ी मशहूर है, थोथा चना भाजे घना। तो ये जो थोथा चना थे ये बहुत घना बाज रहे थे, लेकिन बाजते बाजते वो बाज गए जो इनको बाजना नहीं था। इन्होंने कहा कि बरौनी फर्टिलाइजर बंद हुआ है कांग्रेस के जमाने में। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस में थे, आडवाणी जी को भी कांग्रेस में भेज दिया है क्या? ये अपने भी राजकाज को कांग्रेस का राजकाज बताते हैं और बीच में जो भाजपा का शासन है उसको जोड़ करके कहते हैं कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि आप अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बात महसूस करेंगे कि उनके पास इस देश के लोगों के लिए, बेगूसराय के आम आवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो यहाँ आए हैं, बेगूसराय को अपमानित किए हैं और झूठ बोलने का काम किए हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बेगूसराय के लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जब आप बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को देख रहे हैं तो आपने एक चीज गौर से देखा होगा कि हमारे लोग जो इस लड़ाई में ये समझते हैं कि अगर लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है तो वो लोगों के सवाल पर होगा, वो लोगों के मुद्दों पर होगा, वो घर घर जा रहे हैं
और बेगूसराय के लोगों को बता रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सवाल क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि जो भाजपा के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इस बात का कि वो क्या काम किए हैं, ये जनता को बताने के लिए तैयार नहीं है। वो ये गिना रहे हैं कि विपक्ष की क्या कमी है। आप मुझे बताइए कि अगर विपक्ष में कमी नहीं होती, अगर विपक्ष के ऊपर जनता ने सवाल नहीं खड़ा किया होता, तो आप बताइए कि क्या बेगूसराय के लोग या देश के लोग विपक्ष को दोबारा मौका देते या दोबारा मौका नहीं देते। लोकतंत्र में ये सवाल नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लोकतंत्र में ये सवाल होना चाहिए कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। इस सवाल को पूछा जाना चाहिए। विपक्ष ने क्या किया उसका लेखा जोखा जनता ने देखा। अगर जनता उससे खुश होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, फिर से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते। अगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं बने और नरेंद्र मोदी को लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसका मतलब ये है कि मोदी जी आप जो है बाल पोथी की मनोहर कहानियां मत बनाइए, ये मत समझाइए कि नेहरू जी क्या थे, ये बताइए कि आपने क्या किया है, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली। इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि आपने नारा लगाया था पिछले चुनाव में, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ, क्या हुआ किसान का। किसान की हालत ये है कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ये है किसानों की हालत इस देश में। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस बार बनारस में तमिलनाडु के 111 किसानों ने यह संकल्प लिया है कि इस झूठे प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नामांकन भरेंगे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे बनारस से, ये उनका फैसला है। एक तरफ किसान मर जाए खेतों में और उनका बच्चा जवान मर जाए देश की सीमा पर, ये अपनी पीठ थपथपा करके फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगा करके इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। उस बात को आप समझ लीजिए, क्या होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों से बनता है। अगर देश में किसान आत्महत्या कर रहे हो, अगर 45 साल में देश सबसे ज्यादा बेरोजगार हो, अगर इस देश में इंजीनियरिंग करने के बाद नौजवानों को कहा जाए कि आप पकौड़ा बेचिए, ये शिक्षा का अपमान है, ये लोगों का अपमान है। इस बात का ये कितनी अजीब बात है कि जो मंत्री जी 10वीं फेल हैं वो मंत्री बनेंगे और जो इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, वो पकौड़ा तलेगा, ये किस बात का न्याय है। इसका सवाल को पूछना चाहिए दोस्तों, ये गंभीर सवाल है। इस सवाल को आप समझिए कि जिनके बच्चे शहादत दे रहे हैं, जिनके पिताजी खेतों में मर रहे हैं, ये दोनों किसान से लेकर जवान तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसएफ का वो जवान तेज बहादुर यादव बनारस से चुनाव लड़ रहा है और 111 किसान बनारस से चुनाव लड़ रहा है, ये इनकी हकीकत है। और अमित शाह आकर के राष्ट्र कवि की इस धरती पर हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन कर रहा है टुकड़ा टुकड़ा इस देश को। अपने दिल पर हाथ रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि किसने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्लान बना रखा है। आप जरा उसके बारे में समझिए। चुनाव हो रहा है बेगूसराय में, चुनाव हो रहा है, एक सेकेंड हैंड मिनिस्टर हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, सेकेंड हैंड नारा लेकर, और वो सेकेंड हैंड मिनिस्टर उनकी सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जाकर के चेक कर लीजिए, उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। किस बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा इस बात की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब हमने ये सवाल पूछा कि आप कहाँ के मंत्री हैं, आप देश के मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मंत्री हैं कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, गिरिराज बाबू जरा आप ये हमको समझा दीजिए। आप बात बात पर कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो मोदी जी की रैली में नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, खुद ही कंबल तान करके सो रहे बात के मानते भरोसा कर। पहले कहलखिन
कि कुछ भी हो जाए हम नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे। नवादा से यदि नहीं लड़ने दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास तो वो नहीं लिए, बेगूसराय के लोग 29 तारीख को उनको संन्यास दे देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। की बुझलखिन फड़किया दिना छिक बढ़िया घोड़ा ले गई थी ना जोत के चल जाती थी। बेगूसराय धरती छिक बेगूसराय धरती, और पिछला 5 साल में लगातार इस सरकार ने बेगूसराय की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। इस बात को आप हमको सोच करके बताइए कि किस मुंह से इन्होंने इस मिट्टी के लाल को गद्दार कहने का काम किया, इस बात को आप सोच करके बताइए। छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो, मान लेते हैं एक बात की, लेकिन एक बात बताइए, खुद पे भरोसा है कि नहीं है? अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपका दिल कहता है कि बेगूसराय में गद्दार पैदा हो सकता है? सोच के बताइए, ये किस मुंह से आकर के बेगूसराय में कहते हैं कि नमूना है? ए साहब, हम तो नमूना नहीं है, लेकिन आपको देख करके लगता है कि आप गोडसे का नमूना हैं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये धरती शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, ये धरती महात्मा गांधी की धरती है, ये धरती बेगूसराय एक से एक शहीदों की धरती है। इसीलिए अगर आप हमारा नमूना देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से जरा कान में पूछ लीजिएगा और बताइए कन्हैया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नमूना तो हमने आपको दिखाया है, नमूना तो हमने आपको दिखाया है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, अपने लुटेरे दोस्तों को बुला लीजिए, खरीद लीजिए उनके दम पर अपने मीडिया चैनलों को, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कॉर्पोरेट से पावर से ज्यादा पावरफुल इस देश में पीपुल्स पावर होता है। ये बात आपको एक बुरे सपने की तरह याद आएगी, और आपको एक बुरे सपने की तरह याद आ रहा है, इसीलिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं। एक मिनिस्टर साहब को चुनाव लड़ने के लिए भेजे हैं, मंत्री जी कहते हैं नहीं हम बेगूसराय नहीं जाएंगे। अमित शाह बोले कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बस किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके शमशान कब्रिस्तान करके बेगूसराय से चुनाव जीत करके आ जाइए, हम आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। बेगूसराय के लोग टुकड़ा पर पड़े छे, जो इस देश में चापलूसी के टुकड़े पे पलते हैं वही इस देश में मजदूर और किसानों के लड़ने वाले लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कहते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये जो चापलूसी के टुकड़े पे पलने वाले लोग हैं, इस देश को जो लूटने वाले पूंजीपति हैं, उनके टुकड़ों पे जो पलने वाले लोग हैं, इस देश में किसानों जवानों और इस देश की आम आवाम मेहनत कष्ट की जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप कितना भी झूठ बता लीजिए, लेकिन बेगूसराय के लोग अपना सच जानते हैं। और बेगूसराय के लोगों को ये मालूम है कि बेगूसराय की धरती राष्ट्र कभी पैदा करती है, राष्ट्रद्रोही नहीं पैदा करती है। और रही बात मुकदमे की, तो ए साहब एक क्या 1000 मुकदमा कर लीजिए। हम तो जेल से निकल करके ही कह दिए थे कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना, अरे जब तक जेल में चना रहेगा डर नहीं लगता है आपसे, डर नहीं लगता है, आप पूरी कोशिश कर लीजिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना हमको गद्दार कहना है कह लीजिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सच को कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता क्या? अच्छा HDFC बैंक के सामने हम खड़ा होकर कहिए SBI छिके, SBI हो जाएगा, बोलो 100 बार SBI HDFC SBI हो जाता है, हमारा बगल माई को कहते देशद्रोही हो जाएगा। अरे गलती किए हैं यदि तो बकवास करना बंद कीजिए,
सबूत पेश कीजिए। और हम जानते हैं कि आप अपना सबूत मिटाने में माहिर हैं, लेकिन हम अपना कोई सबूत नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबूत देश को तोड़ने के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए है। इस बात को याद रखिएगा, जो लोग इस देश में चुनाव के वक्त हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में शमशान और कब्रिस्तान कर रहे हैं, जो लोग चुनाव के वक्त में मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं, दरअसल वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमको एक बात कह देते हैं कि इस धरती को अगर किसी चीज ने बचाई है तो वो है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब। और गंगा जमुनी तहजीब ये होता है कि जब हम बुतरू रहिए ना तो हमारा भी ना लोग नारा लग रहे हैं, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम इन नारों को सुन करके भरे हुए हैं, और जितना छोटा दिमाग है उतने छोटे दिमाग से ही ये समझने की कोशिश करते थे कि इस देश की क्या खास बात है। रमजान जब आप बोलेंगे तो राम का नाम आता है, और दिवाली जब आप बोलेंगे तो अली का नाम आता है। ये इस देश की खासियत है, ये इस देश की खासियत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना हिंदुओं के मंदिरों में बसता है। ये इस देश की खासियत है, ये इस देश की खासियत है कि आप इलाकों में घूम करके देख लीजिए, आप कई बार हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं कर पाएंगे। जो लोग हिंदू और मुसलमान में फर्क कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण और दलित में फर्क कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इस देश में मुद्दे की राजनीति हो, अगर लोकतंत्र में लोगों के सवाल को महत्व दिया जाए, तो सोच करके हमको बताइए, दिल पर हाथ रख करके आप हमको बताइए कि अच्छा यूनिवर्सिटी यदि बेगूसराय में बनेगा, बढ़िया अगर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनता है, तो खाली बाघने पढ़ते कि दलितों पढ़ते, खाली दलितें पढ़ते कि भूमियारों पढ़ते, खाली हिंदुए पढ़ते कि मुसलमानों पढ़ते, बढ़िया अस्पताल बनते तब सबके इलाज होते। कोनो दुकानदार के पास जाए छो सामान ले ला, ये पूछ के सामान नहीं दे छो कि नहीं हिंदू हो तो नहीं देंगे, ये पूछ के नहीं दे छो कि मुसलमान हो तो नहीं देंगे। अच्छा तो मोदी जी जो 2000 नोट निकाल रखी हन, ओकरा एक दिन उठा के फेंक लह रोड पर, आ देखो कि ओकर जाँच पूछ के उठबे तब हम समझिए। कोई अगर कहे रूपा ले घर नहीं नहीं एक हम नहीं छूबे, एक दलित छुलक है। कोई कहे नहीं नहीं तो मुसलमान के हाथ से अलह है। मीट जो काटे छे ना वे 2000 नोट ले छे आ खुला क्या के वे हाथ से दे छे, आ फिर जेबो ना सुनो सुनो हम बतबे छो कागज के रूपा छे, आ फिर जेबो ना पूजा घर में अगरबत्ती खरीदे ले तो वे देबो वे लेतो, ले छे कि नहीं ले छे। एक बात हमरा सोच के बतबो, रूपा घड़ी तो नहीं केतरो हिंदू मुसलमान या लागे छे, माल घड़ी रूपा घड़ी आवे छे क्या दो, चुनाव घड़ी हिंदू मुसलमान होइ छे किए किए होइ छे, ये चलते होइ छे कि तुम वोट दे घड़ी ना जब जाओ मशीन में तो खोजो कि मुसलमान कहाँ छे, हिंदू कहाँ छे, भूमिहार कहाँ छे, जादव कहाँ छे, ब्राह्मण कहाँ छे, दलित कहाँ छे, तब तो हुआ तोरा विकास नहीं खोजे छे। वोट देवो जात के नाम पर आ खोजबो विकास, वोट देवो धर्म के नाम पर आ खोजबो स्कूल, वोट देवो जात पात धर्म के नाम पर आ खोजबो सड़क। एक बात सोच लीजिए, ये साजिश एक दिन में हमारे खिलाफ नहीं रची गई है, इस साजिश को बड़ी ध्यान से गढ़ा गया है, बुना गया है, और इस ट्रैप में हम इस तरीके से फंस गए हैं कि एक बार सिखाया गया पंछी को कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आया भी दाना भी डाला, पंछी बोल भी रहे थे शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। नहीं फंसेंगे, हमको मालूम है क्योंकि ये बेगूसराय जिला है। लेकिन जो चुनाव प्रचार के दौरान हुआ है उसको जरा आप गौर से देखिए। देखो नेताजी लिखिन बंडिल पिन बुझलो भोरे पान खैने सीकी खोसने, सब कुछ तो ठीक है, कन्हैया को भूमियान में भोटी नहीं है, ये बात मुसलमान टोला में जाए कहलखिन, आ साँझ चल गलखिन भूमियार टोला में,
वहाँ देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुसलमान तो मुसलमान को वोट देगा, तो जो है वहाँ तो उसको वोटे नहीं है, एक के आदमी ई टोला में एक बात आ टोला में दूसर बात। एक बात बताओ, हमें पूछे छो तोरा सबसे कि हमरा जब कोई वोट दैये नहीं रहा है परेशान कथिल छथिन, कथिल कथिल काला झंडा लेके हमर स्वागत करे लागे छथिन। अभी रास्ता में आब करे रहिए तो एगो नूनू हमरा भाजपा के झंडा देखा करे रहे, हमरा गिरिराज जी बयान याद आ गए। गिरिराज जी कहलखिन कि हरा रंग पर पेन लगा देना चाहिए, कहलिए रे मूर्ख बेल लगबे पहले अपन झंडा हरियर का रंग बदलो, भाजपा झंडा देख लो ओकरा हरियर रंग छै कि नै। अब बुझो जे अपन झंडा ठीक से नहीं देखलखिन तो बेगूसराय ठीक से देख तू, बिल्कुल बेगूसराय ठीक से नहीं पढ़ो, ई चक्कर में साहेब चक्कर में नहीं पढ़ो। आ दोसर तरफ एगो भाई जी छथिन हमरा मंच पर रहती नमो लियो की बुझले बात कदम के बात, हमरा रैली मेलखिन खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलखिन आ कहलखिन कि देश में भाजपा को हराने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। सभी लोग मान लेलके कि ठीक है हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं भाजपा को हराने के लिए। उन्हें टिकट लेके लेखिन बेगूसराय, कब हम भी प्रत्याशी हैं। अच्छी बात है, आज एक पत्रकार ने हमको पूछा कि आप तनवीर हसन पे हमला क्यों नहीं करते। हम बोले क्यों करें, तनवीर हसन तो खुद ही कह दिए थे कि भाजपा को हराने के लिए सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, तो बोलिए तनवीर हसन पे हमला करने की जरूरत है। तो फिर पत्रकार ने पूछा कि आप कहते हैं कि आप बेगूसराय का बेटा है, तो वो भी तो बेगूसराय का बेटा है। हम बोले हाँ है, मान लेते हैं कि है, लेकिन एक बात बताइए तो बेगूसराय के वो जो बेटा हैं वो तो 5 बार MLC रहे हैं, तो 25 साल सेवा किए हैं ना, आप कत्ते सेवा करते बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो बाप की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले लेता है, लेता है नहीं लेता है। तो अगर घर में ऐसा होता है तो समाज में तो ये हो ही सकता है कि जो राजनीति में बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेवारी नौजवान अपने कंधे पे ले लेगा। 25 साल वो सेवा कर दिए हैं और हम कर देते हैं, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। एक रात गोसाई जाए छथिन लोग बहुत जोर से, गोसाई कहलखिन की ई लड़का भाजपा का बी टीम है। कहे हे महाराज जुबान भी तोर साथ नहीं देते, मुंह कहतो चीस मत बोलिए ये बात, ये बात कौन मानेगा भला कि कन्हैया बीजेपी का बी टीम है, मानेगा? मोदी जी भी इस बात को नहीं मानेंगे, इस देश में कोई आदमी इस बात को नहीं मानेगा। हम बस एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, चुनाव ये पहली बार नहीं हो रहा है और हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी बार नहीं हो। इसीलिए जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ, साहब चुनाव तो आना जाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हमको सब्र का परिचय देना है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम अपनी तरफ से अपना आपा नहीं खोएंगे। खोने की जरूरत है क्या? बौखलाती कौन सी टीम है जो हार रही होती है, इसलिए हम लोगों को बौखलाना किसी के ऊपर हमला करना और जवाब देना होगा तो कहां देंगे, एक नंबर में। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के किसी बहस में हमको नहीं फंसना है, कौन बी टीम है और कौन सी टीम, हमको इस बहस में नहीं जाना है। हमको इस बात को सोचना है कि बेगूसराय के लिए क्या जरूरी है और देश के लिए क्या जरूरी है। बेगूसराय के लिए जरूरी यह है
कि जिस तरीके से बेगूसराय में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। इस मिट्टी में तमाम लोगों ने अपने खून पसीने बहाए हैं, तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इन सड़कों को सभी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर बनाया है। बेगूसराय की इस गुलिस्तां को हिंदू मुसलमान मिलकर के सजाया है। इसीलिए इस बहस में हम नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि बेगूसराय के 30 लाख लोगों का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि मान सम्मान सिर्फ नारा लगाने से नहीं बढ़ेगा, मान सम्मान सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं बढ़ेगा, मान सम्मान इस बात से बढ़ेगा जब हम बेगूसराय के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और बेगूसराय का मुद्दा यह है कि बेगूसराय में आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाई है। एक बात सोचकर बताइए, कल्पवास मेला लगता है सिमरिया में और लोग दरभंगा से आवे छे मुक्ति खातिर, और बेगूसराय के लोग दरभंगा जाए छे डिग्री खातिर। ये ठीक बात है? वो आवे छथिन गंगा नहावे ले, हमें लिए डिग्री ले ले। कौन जरूरी छे हमरा दरभंगा जाए के डिग्री ले ले? क्या बेगूसराय में जगह नहीं है? बेगूसराय में जमीन नहीं है? क्या बेगूसराय के लोग टैक्स नहीं देते हैं? तो फिर बेगूसराय में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? ये हमारा सवाल है, इस बात को आप समझिए, ये हमारा सवाल है। नियत नहीं है। अब सोच के देखिए, पढ़वे वाला बेगूसराय के मास्टर और पढ़े वाला बेगूसराय के चेला, गुरुओ जी बेगूसराय का, चेलो जी बेगूसराय का, लेकिन कोची कहाँ चल रहा है? कोची मुखर्जी नगर में। वो साहेब पैसा हमरे हैं, रेंट जो दे रही है मकान मालिक वो हम ही दे रही है, तरकारी खरीद रही है हम ही वजह पर, और वहाँ सब कुछ जो चल रहा है वो हमरे के पैसा से चल रहा है। तो वो कोचिंग बेगूसराय में नहीं चल सके छे, बेगूसराय में यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सके छे, बेगूसराय में इंजीनियरिंग तैयारी नहीं हो सके छे, बेगूसराय में एसएससी की तैयारी नहीं हो सके छे। तो बात को सोचिए, आज बेगूसराय में बकवास की नहीं विजन की जरूरत है, इस बात को आप समझिए। और विजन ये है कि अगर हम बेगूसराय में जो 30 लाख लोग रहते हैं उन 30 लाख लोगों के लिए योजना बनाएं तो बेगूसराय हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जिला बन सकता है। ये सारी खासियत बेगूसराय जिले के पास है। और आप सोच करके देखेंगे किस तरीके से बेगूसराय को बेहतर बनाया जा सकता है। बेगूसराय में यदि एक अच्छी यूनिवर्सिटी खुले, बेगूसराय में यदि एक IIT की स्थापना हो, यदि बेगूसराय के ही डॉक्टर जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं अगर उनको बेगूसराय में एक बढ़िया अस्पताल खोल करके उनको वहां पर रखा जाए तो बेगूसराय के लोगों को इलाज कराने के लिए पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पटना दिल्ली के ना जेबो एगो वैशाली एक्सप्रेस चले रहे बरौनी से चल गए सहरसा, अरे देखो तो नया ट्रेन दे दो थोर मोदी जी, जुमले फेंकत रहे छो एगो कामों कर दे थोर, एगो नया ट्रेन शुरू कर दे थोर की बिगड़ते रह नहीं। बेगूसराय के सामान छीन के ले जेब और कहाँ चल गए नेताजी सब जे कह रहा कि इनकी सेवा करने के लिए आए हैं, मुंह से आवाज किया नहीं निकलना। जब आंगनवाड़ी की महिलाओं को उनका जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिलता है तब आप किसी नेता को रोड पर बैठे हुए धरना करते हुए देखे हैं? जब आशा बहु को काम करने के बदले उनको दाम नहीं मिलता है तब आप किसी को हड़ताल करते हुए देखे हैं? जब इस देश में इस जिले में लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं और लोग घूस मांगता है तब कोई नेता को विरोध करते हुए देखे हैं? 200 रुपया 500 और 450 रुपया वृद्धा पेंशन मिले छे, 500 रुपया घूस लगे छे। इंदिरा आवास में घर ले जेबो ना 30,000, सब रेट पता है, सब रेट पता है। हे साहेब जब जेबो ना वोट गिरवे ला आंख बंद कर के दिल पर एक बार हाथ रखी है और मन में सोची है कि 530,000 यूनिवर्सिटी IIT एम्स जिंदाबाद ठपा ठप बटन दे। ये होती है मुद्दों की राजनीति। मुद्दों पर राजनीति होना बहुत जरूरी है और बेगूसराय में वो तमाम संभावनाएं हैं कि बेगूसराय एक बेहतरीन जिला बन सकता है। कैसे बन सकता है?
खाली हमें अमित शाह नियर बकवास करे नहीं लिए, हमारा पास प्लान छे, हमारा पास योजना छे। एक बात हमको सोच के बताइए कि बेगूसराय में मक्का उपजता है कि नहीं उपजता है। हम मॉल में सिनेमा देखल गेलो है कि ठोंगा में खाए चहो पॉपकॉर्न कौन चीज बनै छै, आ मकई कहाँ उपजै छै, तो हमें पॉपकॉर्न नहीं बना सकै छियै, पूरा दुनिया के पॉपकॉर्न नहीं खिला सकै छियै, ई संभावना छै कि नहीं छै। टमाटर बेगूसराय में होइ छै, चाउमीन खाइ छै, बिजली नहीं पहुँचलै सब गाँव में, चाउमीन पहुँच गेलै हैं। तो बेगूसराय के टमाटर के अगर कोल्ड स्टोर में रख दिल जाए तो टमाटर से सॉस बन सके छे कि नहीं, आ मणिपुर ओकरा जाय के भेज सके छे कि नहीं, आ नेपाल समस्तीपुर खगड़िया पटना शेखपुरा लखीसराय बरबीघा, ये तमाम संभावनाएं बेगूसराय में मौजूद है। उन संभावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। और जुमलेबाजी की हालत ये है कि एक बार फैक्ट्री बंद करते हैं और दूसरी बार फैक्ट्री का आकर के शिलान्यास करते हैं, लेकिन बंद करने और शिलान्यास करने के बीच में जो सबसे बड़ी चीज हुई, उस बात को आप लोगों को शायद याद नहीं हो, मैं याद दिला देता हूं, वो ये है कि सैकड़ों परिवार के सपनों को तबाह कर दिया गया। जो लोग फर्टिलाइजर टाउनशिप पर आश्रित थे उनके परिवार को पलायन करना पड़ा। हमारा विनय वो गुरु जी रहते घोरे खटारा साइकिल लेके ट्यूशन पर इन्हें घूमे रहते घरे घर, जब टाउनशिपे नहीं रह तो ट्यूशन के गाछ के पढ़े थे रे, बढ़ौर बेचल जा रहे हमारे चचेरा भाई, बढ़ौर तोड़ ले टाउनशिप में जाकर बढ़ौर बेच ले रहे, चचा दूध लेके जा रहे केन में टैंक बेचल टाउनशिप, आ टाउनशिप के लोग बस पर चढ़ आवे रहे चंद्री चौक में सब्जी खरीदे। जब कोई फैक्ट्री लगती है उसके साथ जब टाउनशिप बसता है तो उस टाउनशिप के आसपास उद्योग धंधों के साथ साथ रोजगार पाती का भी विकास होता है। लेकिन यह जो नया फर्टिलाइजर खुल रहा है उसके बारे में आप जान लीजिए, उसमें मजदूर काम करेंगे 200 तो रहेंगे कितने, 200 × 5 सत्य हो लो हिसाब ठीक छोड़ना, तो 1000 लोग यदि हैं तो कितना रोजगार पैदा होगा। ये फर्टिलाइजर और उस फर्टिलाइजर का क्या फर्क है पहले आप इसको समझ लीजिए। उस फर्टिलाइजर में जो यूरिया पैदा होता था तो आस पास के किसानों को यूरिया सब्सिडी के रेट पर मिलता था, और आज यूरिया खाद का जो बोरा है उसमें से 5 किलो खाद ये निकाल लिए हैं, 45 किलो उसको बना दिए हैं। देखे ना जो शैम्पू और शीश जो रहता पाउच 30% एक्स्ट्रा रे मर्दवा, ओकरा में 5 ml छबे करे तो 30% जोड़ के भी तो खर्चे होते, लेकिन ओकरा लिखतो 30% एक्स्ट्रा। यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो यहाँ के जो लोग पढ़ने के लिए पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा, बेगूसराय का पैसा बेगूसराय में ही रहेगा। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है तो यह जो बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी तो वो हमको धुआं ज्यादा खिलाएगी, रोजगार कम पैदा करेगी। खुल जाए हमको तो ये भी भरोसा नहीं है कि ये भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुल जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री की तुलना में अगर छोटी इंडस्ट्रीज का विकास किया जाए तो ज्यादा रोजगार पैदा हो सकता है और पलायन को ज्यादा रोका जा सकता है, इस बात को समझिए। और वो जो इंडस्ट्रीज होना चाहिए वो इंडस्ट्रीज एग्रो इंडस्ट्रीज हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है कि हमें यहाँ मशरूम हो गई भाई और मोदी जी खातिर भेजबे 4,500 रुपए किलो की दिक्कत छ, मोदी जी 30,000 रुपए किलो बेचबे की दिक्कत छ। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो संसाधन है उस संसाधन का यदि सही मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ के किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा, और फिर किसान मैला कुचला धोती पहना गमछा लिया हुआ किसान नहीं होगा, किसान भी बढ़िया रेवन के चश्मा दे का बुलेट से चलने की दिक्कत, किसान भी मोबाइल लेगा, किसान के हाथ में लैपटॉप होगा, किसान के हाथ में भी टैब होगा, क्यों नहीं हो सकता है, पढ़ा लिखा किसान नहीं हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने देश की ऐसी हालत की है कि मंत्री जी का बेटा मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री जी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और प्रधानमंत्री जी का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन
किसान का बेटा लेकर हाँ ठीक है बात इनका राइट है ठीक बात हम इनका दिया नहीं कह रहा हूँ वहाँ अपन भाव सदा नहीं चेक करते से जनता मेरा परिवार अपन भाव सदा नहीं चेक करते हाँ ये होय चाहे हम ये कह रहे थे कि लेकिन किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता है? किसान का बेटा इसलिए किसान नहीं बनना चाहता है कि किसानी और खेती की हालत खराब कर दी गई। किसानी और खेती की हालत यदि बेहतर किया जाए और पलायन को यदि रोका जाए और जो मानव संसाधन है शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं है, शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय है। उस मानव संसाधन मंत्रालय में यदि मानव के संसाधन का मैनेजमेंट किया जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय का पैसा बेगूसराय में ही रहेगा, बेगूसराय के शिक्षक बेगूसराय में ही पढ़ाएंगे और बेगूसराय का बच्चा बेगूसराय में ही पढ़ेगा और बेगूसराय का बच्चा सिर्फ बेगूसराय में नहीं पढ़ेगा बल्कि आसपास के जिले और आसपास के राज्यों से भी बच्चे बेगूसराय पढ़ने के लिए आएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा बेगूसराय का आर्थिक विकास किया जा सकता है। लेकिन बेगूसराय का आर्थिक विकास तब होगा ना जब टीवी पर ये मुद्दे निकल करके सामने आएंगे। टीवी पर चुनाव की खूब चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात की होती है कि बेगूसराय में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। कौन बोला कि मुकाबला त्रिकोणीय है? मुकाबला भी त्रिकोणीय होता है, कुश्ती तीन में लोग लड़े थे, वो कुश्ती दू में लड़े थे, एगो अड्डा पर बैठल रहे थे। कुश्ती आमने सामने की होती है और ये लड़ाई दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक झंडे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश में तिरंगे को बचाने की लड़ाई है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये लड़ाई इस देश में दल को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई इस देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए इस आमने सामने की लड़ाई में एक तरफ बेगूसराय जिले के लोगों का अपना आत्मसम्मान और मान सम्मान है और दूसरी तरफ बेगूसराय को जो अपमानित करने वाली ताकतें हैं उनका झूठ है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई हक बनाम लूट की है और सच बनाम झूठ की है। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम लोकतंत्र की है और हमको पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में हक जीतेगा, सच जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, इस बात का हमको भरोसा है। इसीलिए जो हमारा भरोसा है वो हवा में थोड़े ही भरोसा हो गया नहीं, आप लोग का भी है ना, चारों तरफ से आवाज आ रही है ना, और यही कारण है कि बीजेपी को हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। तो बीजेपी दो तरह का वीडियो बनाती है, एक वीडियो मुसलमानों के बीच में घुमाती है और दूसरा वीडियो भूमियारों के बीच में घुमाती है। भूमियारों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये तो सेना विरोधी है, ये तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का आदमी है। सबसे पहली बात, मैं सफाई नहीं देता हूँ, मुझे सफाई देना पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक सच आप तमाम लोगों को बताता हूँ। सच ये है कि सेना के नाम पर सबसे ज्यादा गंदी राजनीति अगर इस देश में किसी ने किया है तो इसने भाजपा ने किया, इस बात का आप चुप हो जाइए। और राजनीति गंदी इसलिए है कि आज जब मैं यहाँ खड़ा होकर के बोल रहा हूँ तो मैं ये सोच समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद प्रधानमंत्री ने और अमित शाह और इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई और मना करने के बावजूद सेना का नाम बार बार अपने भाषणों में लिया है। और जब उसने लिया है तो ये जरूरी है कि बेगूसराय जिला को जब उन्होंने अपमानित किया है यहाँ से उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे घर से, मेरे परिवार से हमारा एक भाई इस देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है। और आप कहते हैं कि हम सेना विरोधी हैं, हम सेना विरोधी नहीं हैं, हम सेना के नाम पर जो कुर्सी पाने वाले लोग हैं उनके विरोध में खड़े हैं, इस बात को जान लीजिए। हमारा साफ साफ मानना है कि किसी भी स्थिति में सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
किसी भी स्थिति में सेना को घसीट कर राजनीति में नहीं लाना चाहिए। सेना इस देश में अक्षुण्ण है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। और सेना का जो काम है, सेना ने हमेशा अपने काम को किया है, लेकिन ये सरकार जो हमेशा अपने काम में नाकाम रहती है, सेना के पीछे छुप करके अपना जान बचाना चाहती है और सेना के सम्मान से अपना मान सम्मान का रक्षा करना चाहती है। और यहाँ जब वो बेगूसराय आए तो उन्होंने शहीद पिंटू सिंह का नाम अपने मुंह से लिया। किस मुंह से वो नाम लेते हैं, किस मुंह से वो नाम लेते हैं। जिस दिन शहीद पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे आया था, ये पूरा का पूरा भाजपा का कुनवा अपनी रैली करने में व्यस्त था, एक माला चढ़ाने की फुर्सत नहीं थी। और आज जब भाषण देने के लिए आए चुनाव के वक्त, तो चुनाव के वक्त चुनावी रैली में बगुला की तरह गर्दन हिला करके चले गए। अरे बेगूसराय से पखड़ी कितना दूर था, बेगूसराय से पखड़ी बहुत दूर तो नहीं था, क्यों नहीं अमित शाह गए शहीद पिंटू सिंह के घर वालों से मिलने के लिए। मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। इनके पास समय नहीं था, इनके पास वक्त नहीं था। इनके पास समय और वक्त नहीं है इस देश में पीड़ित किसान और शहादत देने वाले जवान के घर पर जाने की, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कभी देखा है वोट और सपोर्ट के लिए अमित शाह माधुरी दीक्षित के पास गए थे, किसी किसान के पास इनको जाते हुए देखा है कभी? किसान जिसने आत्महत्या की हो उनके परिवार को आंसू पोंछते हुए देखा है कभी? देखा है उनके साथ बैठ करके ये खाना खा रहे हो? ये है इनकी हकीकत। और मन से खड़ा होकर के कहते हैं कि पुलवामा में शहीद होने वाले शहीद पिंटू सिंह को मैं शहादत देता हूँ। इनको इतना भी नहीं मालूम है कि शहीद पिंटू सिंह की शहादत पुलवामा में नहीं हुई थी, पुलवामा के बाद हुई थी। जिनको इतना नहीं मालूम हो वो सेना पे तुच्छ राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को मारा। लगता है जैसे मोदी जी पायलट थे और हवाई जहाज चढ़ा रहे थे। अब मोदी जी हवाई जहाज चढ़ा रहे होते तो अभिनव गिरता कि मोदी जी गिर जाते हैं। कौन गया था वहां पे? देश के जवान गए थे ना। इनका सच मैं आपको बताता हूँ, जिस मसूद अजहर पर पुलवामा का अटैक करने का आरोप है, उस मसूद अजहर को किसने पकड़ा और किसने छोड़ा? बीजेपी ने पकड़ा नहीं, इस देश के जवानों ने उसको पकड़ा और भाजपा ने अपने लोगों को बचाने के लिए छोड़ा। इस बात को आप जान लीजिए, ये हकीकत है। ये बात ठीक है कि जहाज का अपहरण किया गया, लेकिन उस जहाज को छुड़ाने के लिए सेना तैयार बैठी थी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तब सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया कि जाओ और जहाज को छुड़ा करके ले आओ, हम आतंकवादी को नहीं छुड़ेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बेईमानी है, इस बेईमानी को समझिए। ये बेईमानी ये है कि आप दुकानदार से पंखा खरीद करके ले गए, दुकानदार आपसे पूरा 1000 रुपया लिया। पंखा जब आप अपने घर में ले गए, पंखा को जब आपने लगाया, नट बोल्ट टाइट किया, स्विच दिया, पंखा नहीं चला। पंखा लेकर के जब वापस गए आप दुकानदार को कहने के लिए कि ए भाई पंखा नहीं चल रहा है, तो दुकानदार कहेगा कि हमारे देश के जवान कुर्बानी दे रहे हैं और आपको पंखे की पड़ी हुई है। अरे देश तो दे रहा है कुर्बानी, जवान भी दे रहे हैं कुर्बानी, तुम ससुरी बताओ कि पंखा का नहीं काम कर रहा है? ये कौन सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारे देश के जवान वीर नहीं है? जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे ना, तब भी हमारे देश के जवान वीर थे कि नहीं थे? अरे आजादी के वक्त भी हमारे देश के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? तब मोदी जी आंख भी नहीं खोले थे, तब भी हमारे देश के जवान वीर थे। बताइए मोदी जी पहले पैदा हुए कि भगत सिंह पैसे पहले पैदा हुए? ये देश तो हमेशा वीरों को पैदा करती रही है। ये बताओ साहब कि आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री बनकर के आपने क्या किया? ये मत पंखे वाले की तरह बताओ कि पंखा काम नहीं कर रहा क्योंकि देश के जवान जो है वो वीर है और तुमको पंखे की पड़ी हुई है। इस साजिश को समझिए, इस सरकार ने कितनी चालाकी से अपना सारा का सारा नाकामी सेना की कामयाबी से छुपा देना चाहते हैं। सेना की कामयाबी अपनी जगह,
सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है और शहीदों के नाम अपनी सलामत भेज रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है और शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। आप ये बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री आपने क्या किया और आपने इस पहलवान को जो बेगूसराय लड़ने के लिए भेजा है, इसने देश के लिए क्या किया है। इस पहलवान की हालत यह है कि यह सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए और इनका मंत्रालय सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग मंत्रालय है। और मैं तो कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप बेगूसराय के लोग हैं, बेगूसराय के चारों चौहद्दी घूम करके देख लीजिए, गिरिराज सिंह के नाम का एक पत्थर दिखा दीजिए, हम समझ लेंगे कि गिरिराज सिंह इस देश में बतौर मंत्री काम किए है। एक को पत्थर जब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि हमारा तो नानी घर है बेगूसराय में, ये महाराज नानी घर है। अब ये याद आया चुनाव के वक्त, तो चलिए ना नानी हॉले में हमको एक पत्थर दिखा दीजिए कि आप अपने नानी घर के लिए कुछ किए हैं। इस बात को आप समझिए कि ये बहस क्यों खड़ा किया जाता है, क्यों इस तरह की बातें की जाती है, ताकि इनका जो काम है, जो काम ये नहीं किए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके, कोई ये नहीं पूछ सके कि ठीक है देश जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सब अपनी जगह पे है, सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सब अपनी जगह पे है, ये बताइए मोदी जी हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, ये बताइए कि जवानों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, ये बताइए कि इस देश में जो आपने वादा किया था उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। ये सवाल है। चुनाव यदि हो रहा है तो चुनाव इस मुद्दे पर होगा कि पिछला जो आपका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो आपने वादा किया था, उन वादों में से कितने वादों को पूरा किया गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इस सवाल को गुमराह करने के लिए ये राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि इनका इतिहास क्या है। इनका इतिहास इस देश में शहादत का इतिहास नहीं है, गद्दारी का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। इनका इतिहास इस देश में, इस देश के लिए लड़ने का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांगने का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब इस देश के लोग शहादत दे रहे थे तब ये अपना कैरियर बनाने में लगे हुए थे, और जब देश आजाद हो गया तो देश की आजादी के बाद इन्होंने तिरंगे झंडे को मानने से इनकार कर दिया, इस देश के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि विकास का जो ये इनका नारा है वो एक छलावा है, एक धोखा है। विकास करना इनका एजेंडा नहीं है। जिस तरीके से मंदिर बनाना इनका एजेंडा कभी नहीं था, सरकार बनाना इनका एजेंडा था, इस बात को आप जान लीजिए। सरकार ये हर बार बना लेते हैं लेकिन मंदिर नहीं बनता है, और मंदिर बनाने का एजेंडा हर बार अगले पेज पे शिफ्ट होता चला जाता है। पहले 39वें पेज पे, फिर 40वें पेज पे, अगली बार हो सकता है घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र में तब्दील हुआ है, इस संकल्प पत्र से मंदिर का मुद्दा ही गायब कर दिया जाए। हमें इस बात में कोई नहीं पड़ी है कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हमें इस बात की पड़ी है कि अगर हिंदुस्तान में राजनीति होगी तो लोगों के मुद्दों पर होगी, और लोगों का मुद्दा ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान, ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम लड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 29 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आपको एक ऐतिहासिक फैसला लेने की दरकार है। ये दरकार इसलिए है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आपके तरफ देख रही है, पूरा देश आपके तरफ देख रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं, आते ही बेगूसराय की मिट्टी को चूम लेते हैं, उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगा लेते हैं और कहते हैं कि क्या लाजवाब है यह धरती, क्या लाजवाब है यह मिट्टी जो यहाँ से एक वीर पैदा होते हैं। इसीलिए लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लोग फेसबुक पे इस देश का जो सच है उसको सामने ला रहा है, और देश का सच जब सामने लाया जाता है जो सरकार के समर्थक हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। कोई फेसबुक पे गाली खा रहा है,
कोई व्हाट्सएप पे गाली खा रहा है, किसी को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है, कोई ऑफिस में लड़ रहा है, कोई चाय की दुकान में लड़ रहा है, कोई खेत में लड़ रहा है, कोई अदालत में लड़ रहा है, कोई बस में बात बहस कर रहा है, कोई ट्रेन में बहस कर रहा है। ये तमाम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो तमाम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आवाम के हक और हुक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम लोग बेगूसराय के लोगों की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि बेगूसराय की धरती भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगी और इस देश को तबाह करने वाले लोगों को एक जवाब देगी। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जब आप 29 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा, ये मतदान कोई साधारण मतदान नहीं, इस बात का आप याद रखिएगा। उस मतदान के द्वारा आपको पूरे देश को एक संदेशा भेजने की जरूरत है। वो संदेशा ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने बेगूसराय की मिट्टी को बदनाम किया है, उस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती, अगर ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर देशद्रोही कह रहे होते, तो इनसे हम कोर्ट के दो दो हाथ कर लेके हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये कानूनी मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक मामला है, और ये एक राजनीतिक कलंक बेगूसराय के लोगों के माथों पे लगाया गया है, इस बात को आप जान लीजिए। और ये शायद बेगूसराय के इतिहास को ठीक से जानते नहीं है। बेगूसराय के इतिहास को अगर इन्होंने ठीक से जाना होता, तो बेगूसराय की मिट्टी को बदनाम करने से पहले हजार बार सोचा होता, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात आरोप की, तो मैं आपको यहाँ से खड़ा होकर के भरोसा देता हूँ, ये आरोप झूठ है, और इस झूठ को हम झूठ साबित करके रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। लेकिन आप लोगों को भी इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आपको ये संदेशा देना पड़ेगा कि जो सरकार बेगूसराय को अपमानित करेगी, जो सरकार इस राष्ट्रकवि की धरती को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश करेगी, जो सरकार बेगूसराय के लोगों को नमूना बोलेगी, जो सरकार बेगूसराय के मुद्दों को गुमराह करेगी, और जो सरकार गिरिराज जैसे नकारा मंत्री को हमारे ऊपर थूकने का कोशिश करेगी, उसको करारा जवाब मिलेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आज का वक्त एक गंभीर वक्त है। इस गंभीर वक्त में हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है, और ये एकजुटता मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये एकजुटता एक झंडे की और एक रंग की एकजुटता नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि आपकी गाड़ी पे आपकी पार्टी का झंडा क्यों नहीं होता है। हमने कहा, साहब अगर आचार संहिता नहीं होता तो हम तिरंगा झंडा लगा करके अपनी गाड़ी पे घूम रहे हैं, लेकिन आपका आचार संहिता है, इसीलिए हम अपनी पार्टी का झंडा लगा करके नहीं घूम रहे हैं, हम बिना झंडे का घूम रहे हैं। हमको पूरा भरोसा है बेगूसराय के लोग आंख खोल करके इसको देख रहे हैं, अगली बार जब 23 तारीख को परिणाम आएगा तो हमारी गाड़ी पे तिरंगा झंडा लगा होगा, इस बात का हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ। आज एक बड़ी मजेदार चीज हुई, जब हम लोग पदयात्रा के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक बारात जा रही थी, बारात की गाड़ी पे पोस्टर चिपका हुआ था, कन्हैया संग प्रीति। एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि यार ये पढ़ करके हमको ऐसा क्यों लग रहा है कन्हैया वर्सेज मोदी। हमने कहा, दोस्त ये लड़ाई कन्हैया वर्सेज मोदी की नहीं है, ये लड़ाई एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार कुछ भी करे, ये नहीं बताती है कि मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, कहते हैं कि सरकार कुछ भी करे, चाहे हमको 200 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों नहीं खरीदना पड़े, हम वोट सरकार को ही देंगे। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमने वोट दिया है मोदी जी को तो हम मोदी जी से सवाल भी करेंगे, आपको गाली देना है गाली दीजिए, आपको मुकदमा करना है मुकदमा कीजिए, आपको गोली देना है गोली दीजिए, आपको जेल देना है जेल दीजिए, हम सवाल पूछेंगे, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशभक्ति है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कितना भी देशद्रोही कहते रहे, देश हित में
जनहित में सरकार से सवाल पूछते रहिए, सत्ता से सवाल पूछते रहिए। यही वक्त का तकाजा है, यही न्याय की लड़ाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई कन्हैया वर्सेज मोदी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को अपने दिमाग में डालिए। और ये लड़ाई जब मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है तो उनको जितनी ताकत लगाना है लगा लें। वी द पीपल ऑफ इंडिया जीतेंगे। और इस वी द पीपल ऑफ इंडिया को अगर मजबूत जवाब और ओपनिंग कहीं से मिलेगा तो बेगूसराय की धरती से मिलेगा। इस बात को हमको पूरा भरोसा है, बेगूसराय इतिहास बनाएगा। और इतिहास बनाने के संबंध में एक बात हम आपको कह देते हैं, ये जीवन का एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक ये है कि नंबर हमको एक मिल गया है। एक नंबर मिला है ना, नहीं ये बात नहीं, प्लीज ये बात नहीं। अब दो नंबर मिल गया है, गिरिराज जी को अपन को दो नंबर का आदमी कहेगा। नंबर हमको एक मिल गया है और हमारा निशान जानते हैं क्या है? कटनी किए हैं ना, गाँव काट लिए हैं ना, चीज काटे हैं, बोझा बना लिए ना, वोट का बोझा भी तैयार रखिए। 29 तारीख को दौनी करना है आप लोगों को। 29 तारीख को दौनी करेंगे और इस देश नहीं पूरी दुनिया को एक संदेशा देंगे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और बेगूसराय ने उस लोकतंत्र को अपने सरताज बना करके रखा है। ये जवाब हमको पूरी दुनिया को देना है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 29 तारीख को जाइए, मतदान कीजिए और ये अपने दिमाग में रखिएगा कि इस बार लड़ाई दल की नहीं दिल की है। इसीलिए जब आप मतदान के सामने जाइएगा, दिल की पुकार सुनिएगा और दिल की पुकार यही होगी कि बेगूसराय को जिताना है, बेगूसराय के मान सम्मान को बचाना है। इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता है। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।